ये पुल के नीचे ओवरब्रिज, ओवरब्रिज के पास और भी का ठक्का लगा और भी लगे। ये पुल और ब्रिज काटे छतरी क्या यही सामने है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। राजधानी पटना में मध्य रात्रि को एक अनियंत्रित सफारी कार ने 5 लोगों को कुचल दिया है, जिसमें 3 महिलाएं हैं और 2 बच्चे शामिल हैं। हालांकि इस दुर्घटना में किसी की जान तो नहीं गई है, लेकिन सभी 5 लोग बुरी तरीके से गंभीर हैं, जिनका इलाज PMCH में चल रहा है। खबर की माने तो नशे में धुत चालक ने पहले 5 लोगों को कुचल दिया, उसके बाद फिर अनियंत्रित होकर भूतनाथ रोड यानी कांटे फैक्ट्री के पास डिवाइडर से टकरा गई। जैसा कि तस्वीर और वीडियो आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से सफारी कार जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। हालांकि मौके से गाड़ी में सवार लोग और ड्राइवर भागने में सफल रहे हैं। हालांकि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो तलाशी ली है, तो अंदर से ऑपरेशन में इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़े और दूसरे तरह के सामान मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जो गाड़ी है इसमें डॉक्टर लोग सवार थे और फिलहाल चालक कौन थे अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। जैसा कि आप वीडियो और तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, जरा पूरा इस वीडियो और तस्वीर को देखिए। ये पुल के नीचे ओवरब्रिज, ओवरब्रिज के पास और भी का ठक्कर लगा और भी लगे। ये पुल और ब्रिज काटे छतरी क्या यही है सामने है गाड़ी और ब्रिज के पास है रेल पब्लिक भारत में यही सामने है। ये सामने ओवरब्रिज काटी फैक्ट्री के ओवरब्रिज पुल के ठीक सामने सफारी ठोका हुआ, 5 को रौन दिया भूतनाथ रोड से आते हुए, डॉक्टर का गाड़ी है। तो अभी आपने इस बुरे वीडियो और तस्वीर को देखा, किस तरीके से बीच सड़क पर सुनसान सड़क पर किस तरीके से सफारी कार जो है गाड़ी जो है टकराई है, कितनी क्षतिग्रस्त है। आप समझ सकते हैं कि लोगों को जिस तरीके से रौनते हुए धक्का मारते हुए गाड़ी बढ़ी है भागी है, आप समझ सकते हैं किस तरीके का हालात होगा, किस तरीके का मंजर होगा। आखिर नशे के धूत में राजधानी पटना के पौच इलाकों में मेन सड़कों पर आखिर इतनी रफ्तार से गाड़ी कौन दौड़ा रहा था, अब भी पुलिस के लिए सवाल बना हुआ है। तो दूसरी तरफ 5 लोगों को गाड़ी ने रौन दिया है, जैसा कि आपने वीडियो और तस्वीर में देखा भी है। आप अपनी प्रतिक्रिया क्या रखते हैं? राजधानी पटना में खास करके बिहार में शराबबंदी लागू है, फिर भी जो है कई रेस ज़्यादा कई जो है रसूखदार लोग शराब पीकर दिन में रात में वाहन चलाते हुए नजर आते हैं और लगातार इस तरीके की घटनाएं राजधानी पटना में होती रहती है। आखिर पुलिस और प्रशासन क्या कर रही है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।